नमस्कार, 7i न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। होशंगाबाद के महू में एक पेड़ में बीमारी ठीक करने की अफवाह के बाद जो स्थिति निर्मित हुई है उसे प्रशासन अभी मुसीबत में पड़ा हुआ है। ऐसी ही घटना नरसिंहपुर में भी सामने आ रही है और वहां आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल शुरू हो गया है। नरसिंहपुर के कोपाड़ा खेड़ा गाँव में एक पोहे के पेड़ में अचानक पानी निकलने के बाद लोग उसे अमृत की धारा मान रहे हैं। इस घटना के बाद यहां पर लोग जुटने लगे हैं। कई बार अंधविश्वास इस तरह का अंधविश्वास कर बेवजह ही अफवाह फैला देते हैं, जिसे प्रशासनिक व्यवस्था तो बिगड़ती ही है, साथ ही दूर दूर से लोग कष्टों को झेलकर यहां पहुंचने लगते हैं और बढ़ा देते हैं। नरसिंहपुर से राहुल रघुवंशी की रिपोर्ट। सतना सांसद गणेश सिंह ने लोकसभा में आयुष्मान योजना में आ रही समस्याओं का मुद्दा उठाया है। बता दें कि आयुष्मान भारत योजना विश्व की सबसे अधिक 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने वाली योजना है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज देश की चिन्हित अस्पतालों में गरीब जहां चाहे जब चाहे ले सकता है। उक्त योजना में इन अस्पतालों का चयन किया गया है। विशेष रूप से निजी अस्पतालों में निर्धारित बीमारी का जो रेट तय हुआ है उस रेट पर वहाँ पर इलाज नहीं हो रहा है। सतना सांसद का कहना था कि बीमारी के निर्धारण में भी कुछ कमियां प्रकाशित हुई हैं, जैसे कैंसर की कीमोथेरेपी तथा ब्रेस्ट कैंसर को शामिल नहीं किया गया है, जबकि कीमोथेरेपी कैंसर का पहला इलाज है। ब्रेस्ट कैंसर जानलेवा है, इन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ यदि कोई कार्ड धारी का एक्सीडेंट हो गया तो उसका इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत नहीं होता है। सतना से संवाददाता रविशंकर पाठक की रिपोर्ट। भोपाल के बैरसिया में इन दिनों किसान एक तरफ यूरिया की किल्लत से जूझ रहा है तो वही दूसरी बिजली की समस्या को लेकर परेशान है। बिजली की समस्या को लेकर क्षेत्रीय विधायक विष्णु खत्री ने विभागीय अधिकारी सहायक यंत्री को ज्ञापन सौंपा। खत्री ने कहा कि बिजली का शेड्यूल में बदलाव किया जाए। 10 घंटे एक साथ मिलने के कम पानी वाले किसान परेशान है। बिजली 5 घंटे रात में और 5 घंटे दिन में दी जाए, जिससे किसान आसानी से सिंचाई कर सके। इस शेड्यूल में जल्द बदलाव किए जाए। यदि बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली तो हम आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक विष्णु खत्री, जिला अध्यक्ष गोपाल सिंह मीणा समेत किसान मौजूद रहे। सतना जिले के उचेरा की ग्राम पंचायत कुशगवा में सैकड़ों गोवंश काजी हाउस में बंद कर दिया गया है, जो भूख और प्यास से तड़प रहा है। जहां सरपंच ने बंद पशुओं को दाना पानी भी देना मुनासिब नहीं समझा, वहीं इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को भी नहीं दी। बता दें कि कमलनाथ सरकार गौ रक्षा के लिए विभिन्न पंचायतों में गौशाला खोलने की बात कर रही है, मगर तुषगवा ग्राम पंचायत में गोवंश की मौत के घाट उतारने का काम किया जा रहा है। सतना से संवाददाता रविशंकर पाठक की रिपोर्ट। राजनीति में आम आदमी से खास आदमी बनते ही जमाने में नेक कार्य करना भूल जाते हैं। मिशाल पेस सिर्फ अच्छे समाज सेवक और व्यापार जगत से जुड़े लोग ही प्रस्तुत कर पाते हैं। हालांकि कुछ राजनेता यदा कदा बीच बीच में मिशाल प्रस्तुत कर पाते हैं, जिसे लोग नसीहत लेकर कुछ अलग करने की सोच के साथ सामाजिक कार्य आज भी सतत कर रहे हैं। नगर परिषद अध्यक्ष श्याम कली के द्वारा हर वर्ष शासकीय गांधी प्राथमिक शाला में गर्म कपड़ों के साथ स्कूली बच्चों को बस्ते भी बांटे जाते हैं। इस कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी संस्कृति शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सतना से संवाददाता रविशंकर पाठक की रिपोर्ट। जब मैं परिसर में अध्यक्ष बन के आई थी, तब प्राइमरी पाठशाला के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए मेरे मन में बहुत लालसा थी कि मैं इनके लिए कुछ सहयोग करूं। इसीलिए 4 साल से मैं उनका सहयोग कर रही हूं, आगे करती भी जाऊंगी जितना हमसे हो सके प्रयास करूंगी। कांग्रेस कमलनाथ सरकार दिल्ली में जाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अपनी बात रखेंगे। मध्य प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। 16,000 करोड़ रुपए आकलन किया जा चुका है। 2 मरतबा मध्य प्रदेश में किसानों की फसलों के नुकसान का आकलन केंद्र से आई कमेटियां कर चुकी है। इन सब के बावजूद भी केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की आर्थिक मदद नहीं की जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमलनाथ सरकार के परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत ने
एमपी के दतिया में पहुंचकर देवी पीताम्बरा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अपना यह बड़ा बयान दिया। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट। बहुत ज्यादा नुकसान किसानों का हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं, करीब 16,000 करोड़ का नुकसान का आकलन किया है। केंद्र की कमेटी भी आई थी, दो बार केंद्रीय कमेटी आई, जांच किया और सब किया, हमसे मिली, मुख्यमंत्री से मिली, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से मिल चुके, मुख्यमंत्री जी अमित शाह जी से मिल चुके, लेकिन अभी तक कोई भी सहायता मध्य प्रदेश को नहीं मिली। रीवा पुलिस महानिरीक्षक ने गुरुवार को नवानगर व विंध्य नगर थाने का औचक निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश देते हुए कार्रवाई रजिस्टर के संचालन संबंधी जानकारी ली। साथ ही नवानगर थाने के निरीक्षण से व बेहतर कार्यप्रणाली से खुश होकर थाना प्रभारी समेत स्टाफ के कई पुलिस कर्मियों को 1,000 रुपये देने की घोषणा की। निरीक्षण कर IG सिंगरौली से रवाना हो गए। सिंगरौली से शिवेंद्र धर द्विवेदी की रिपोर्ट। लटेरी जनपद में पदस्थ CEO का जन्मदिन पत्रकारों द्वारा मनाया गया। बता दें कि CEO शर्मा पत्रकारों के बीच बहुत लोकप्रिय है। लटेरी से मुजीब खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहें 7i न्यूज़ के साथ। नमस्कार।